हेलो गाइस, वेलकम टू अमरेश विश्वकर्मा क्लासेस। और आज हम लोग केमिस्ट्री के बिगिनिंग यानी कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि केमिस्ट्री आपको बड़े आसान से समझ में आए और उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है केमिस्ट्री के अंदर वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, आप उसको ग्रैप्स कर सकें। तो इसलिए हम आपके सामने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पूरी तरह से पढ़ाई जाएगी, फुल पढ़ाई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक हम लोग डील करेंगे वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। केमिस्ट्री एक साइंस का वो भाग है जिसके अंदर हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं। इनकी केमिस्ट्री में हम मैटर का स्टडी करते हैं। तो मैटर में क्या क्या हम स्टडी करते हैं, मैटर में कौन कौन सी बातें स्टडी करते हैं? तो पहले ये देखते हैं कि मैटर में, ये तो क्लियर हो गई बात कि हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं। तो मैटर की स्टडी में हम क्या क्या मैटर के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, वो ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर किस चीज की बनी होती है, पहली बात। दूसरी ये कि मैटर का नेचर क्या होता है, और तीसरी है कि मैटर का स्ट्रक्चर बनावट क्या है। फिर मैटर को अलग अलग कंडीशन में रखें, ज़्यादा हीट देने पर, ज़्यादा प्रेशर देने पर, तो मैटर के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं उनके स्टडी किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का स्टडी जो होता है किया जाता है क्या, अंडर केमिस्ट्री। सो अभी स्टूडेंट हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में जानेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है और जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। वाटर में देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिलकर आपका ऑक्सीजन बना हुआ है। तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एटम्स को अपने पास रखता है। अगर हम बोले हैं कि CO2 जो है, तो CO2 का मतलब हो गया यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 में वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कंटेनिंग टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली NH3 अमोनिया इसको बोलते हैं, यहाँ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कंटेन वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो प्योर सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल से बना हो, और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल से बना हो और जो जिसके पास सेम तरह का एटम्स है उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। प्योर सब्सटेंस दो तरह का, एलिमेंट और कंपाउंड। और जो एलिमेंट होता है, जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट नाम जो है किसने दिया था, आप याद रखिए, एलिमेंट नाम रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, है ना, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो है ये प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपल फॉर्म, ये प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट होता है एलिमेंट और कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस का सिंपल फॉर्म है ना, और सबसे प्योर फॉर्म जो होता है वो एलिमेंट होता है, जिसको और ज़्यादा हम छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी कि एलिमेंट को जो है ना और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, वो डेफिनेशन हो गई एलिमेंट की। तो डेफिनेशन क्या है देख लीजिए, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। किसी मैटर का सबसे सिंपलेस्ट और प्योरेस्ट कहिए, प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो एलिमेंट होता है, जिसको और ज्यादा छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़े नहीं जा सकते हैं। जो एलिमेंट्स होगा वो एटम्स का बनेगा, एलिमेंट्स एटम्स से मिलकर बना होगा, और एटम्स क्या होगा, एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा होगा। और एटम क्या शो करेगा, पूरे एलिमेंट का जो गुण होता है ना, प्रॉपर्टी होगा, ये जो एटम होता है एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करता है, एलिमेंट का पूरा गुण को शो करता है, दिखाता है। तो एक एटम का जो गुण होगा वही पूरा एलिमेंट का गुण होगा, क्योंकि एटम्स जो होते हैं इसी से तो एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ है। एटम्स से क्या हुआ, बहुत सारे एटम्स मिलने से मॉलिक्यूल्स बना है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बना है, और एटम्स ही आपका एलिमेंट्स भी बना है। तो एलिमेंट्स ही जो है डिसाइड करेगा कि किसी भी सॉरी एटम्स ही डिसाइड करेगा कि किसी भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, विशेषता क्या होगी, वो डिसाइड करेगा।
तो यहाँ लिखा हुआ है कि एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एटम्स एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है जो एलिमेंट के सारे गुण को बताता है। तो एलिमेंट एटम्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट। एटम्स फ्री हो सकता है, फ्री नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, मतलब वो कंबाइन करके किसी दूसरे एटम के साथ रहते हैं। कुछ एटम्स फ्री भी रहते हैं। तो एटम्स के बारे में यह है कि एलिमेंट का छोटा पार्ट है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो फ्री रह सकता है, फ्री नहीं भी रह सकता है, बट जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एटम ही पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एटमिसिटी। अब एटमिसिटी क्या है, तो एटमिसिटी कैसे कर निकालेंगे, तो एटमिसिटी बस आप याद रखिए नंबर ऑफ एटम्स, बस इतना याद रखिए नंबर ऑफ एटम्स कितना है किसी किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में, किसी एलिमेंट या कंपाउंड, किसी एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसी को बोलेंगे एटमिसिटी। अगर आपसे बोला जाए कि वाटर का एटमिसिटी बताइए कितना होगा, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, और बोला जाए कि इसकी एटमिसिटी कितनी है, तो एटमिसिटी इक्वल टू हाइड्रोजन के कितना एटम, 2, और ऑक्सीजन के कितना एटम, 1, तो 2 + 1 = 3, यानी कि एटमिसिटी ऑफ वाटर इज 3। अगर फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एटमिसिटी आपसे पूछी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की एटमिसिटी कितना हो जाएगा, ये 1 है और यहाँ ये 2 है, तो इसकी एटमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर आपसे पूछा जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की एटमिसिटी क्या होगी, तो ये 2, इसका एटम 2, इसका एटम 1 और ऑक्सीजन का एटम 4, तो 5 5 2 7 एटमिसिटी। तो स्टूडेंट शायद आपको इस एटमिसिटी निकालने अब आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी कि मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है ना, एलिमेंट या कंपाउंड का छोटा पार्ट ही होता है, बट ये फ्री रह सकता है। एटम के बारे में क्या है कि एटम फ्री हो भी सकता है, एटम फ्री नहीं हो सकता, बट मॉलिक्यूल श्योर है कि वो फ्री रहेगा, फ्री रहेगा। और जैसे जैसा कि मैंने बताया कि एटम भी एलिमेंट के सारा प्रॉपर्टी शो करता है, तो मॉलिक्यूल्स भी एलिमेंट के और कंपाउंड के सारा प्रॉपर्टी शो करेगा। बट जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, जब केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर एटम पार्टिसिपेट करता है, ना कि एटम पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता है। मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम्स व्हेन मेनी एटम्स कंबाइन, जब बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन करते हैं तब जाके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम से बड़ा पार्टिकल है। मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम से बड़ा पार्टिकल से बहुत सारे एटम, जैसे ऑक्सीजन का ओ ओ ओ एटम जो है, दो ऑक्सीजन एटम आपस में मिला तो O2 बना, एक जो है एक मॉलिक्यूल बन गया किसका, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का दो एटम आपस में रिएक्ट किया तो H2 बना, यानी कि अब ये बन गया मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल एग्जांपल देख लीजिए जहां पर आपका एक से ज्यादा एटम आपस में मिलकर बने, एक एटम इसका सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का, एक मॉलिक्यूल हो गया, दो एटम हाइड्रोजन का, एक एटम ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूल हो गया, एक एटम नाइट्रोजन का, तीन एटम हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूल्स हुआ ये। और ये आप देखेंगे हाइड्रोजन का दो एटम, ऑक्सीजन का दो एटम, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, दो एटम फॉस्फोरस का, 5 एटम ऑक्सीजन का, तो सभी मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां देखेंगे मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल का डिवीजन, तो मॉलिक्यूल को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और थर्ड होता है आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आइए वन बाय वन समझते हैं क्या है ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मोनो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसके पास एक एटम हो, एक एटम, एक एटम। डाई एटॉमिक में देखेंगे नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो दो होते हैं, वो डाई एटॉमिक कहलाते हैं। जैसे H2 इसके पास दो एटम्स, ऑक्सीजन दो एटम, नाइट्रोजन ये दो एटम्स, क्लोरीन का दो, ब्रोमीन दो, आयोडीन का दो, फ्लोरीन का दो, F2। इसके बाद ट्राई एटॉमिक ओजोन, ओजोन गैस है, इसके पास तीन एटम है, तो तीन एटम वाले मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट